हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और मैं दुर्गे माता और वाई गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके परिवार और आप सभी हमेशा खुशहाल रहें। तो चलिए दोस्तों, आप सबको दोबारा मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नई कार वोल्क्सवैगन हाइलैंडर प्लस 16 इंच के बारे में। फ्रंट से देखने में कार बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें वाइट अपर ग्रिल सिल्वर फिनिश में है, देखिए, और वाइट लोअर ग्रिल ब्लैक फिनिश में है। इसकी एलईडी हेडलैम्प्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्रोम फिनिश भी दिया गया है। इसमें बायजन लैम्प्स है, एलईडी डीआरएल भी है, बाद में दिखाता हूँ आपको। देखिए इसके फ्रंट व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए। अभी इसकी व्हील, इसमें येलो व्हील दिया गया है, 16 इंच सिल्वर फिनिश में, काफ़ी सिंपल सा है। इसकी टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर है। फ्रंट ब्रेक टाइप डिक्स है, रियर ड्रम। अभी इसके देखते हैं हैंडल, बॉडी कलर का हैंडल है और ऊपर से क्रोम फिनिश में दिया गया है। और इसकी ORBM मल्टी कलर में है और इसकी टर्न इंडिकेटर LED टाइप है। इसकी एक ख़ास बात, स्मार्ट टैंक ओपनर, एक बार की को प्रेस करने के बाद गाड़ी भी ओपन हो जाएगा और साथ में इसकी टैंक कवर भी ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रेस करना होता है, ये अपने आप ओपन हो जाएंगे। अभी इसको बंद कर लेते हैं, अभी चलते हैं रियर की तरफ। रियर में सबसे पहले टेल लाइट, ये रैप अराउंड है बाकी की तरह। इसमें चार सेंसर्स लगा है जो दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों इसमें बॉडी कलर बम्पर दिया गया है, फॉग लैम्प रियर भी दिखाई दे रहा है आपको, ये दिया गया है, और रेन सेंसिंग वाइपर भी इसमें, रियर विंडो डिफॉगर है। अभी चलते हैं बूट की तरफ। इसके कार्गो वॉल्यूम 294 लीटर है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें आपके लगेज काफ़ी आएंगे। इसमें लाइट नहीं है कोई लाइट, बाकी गाड़ी में लाइट्स वगैरह होता है। चलो अभी देखते हैं इसके नीचे की तरफ, बूट के नीचे की तरफ क्या है। इसमें स्पेयर टायर है जो कि एलो व्हील नहीं है, सिंपल व्हील है, और ये टूल किट्स है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है साइड व्यू, साइड व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी का। देखिए आगे का व्यू अगर बाहर से देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं रियर की तरफ। चलो रियर सीट की तरफ चलते हैं, देखते हैं रियर सीट से आगे की व्यू कैसा लग रहा है। ये रियर सीट से आगे की व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये एक ऑटोमेटिक कार है। अभी दिखाते हैं आपको रियर एसी वेंट एक है इसमें, और ये है विंडो, और ये हैंडल है, डोर हैंडल काफ़ी अट्रैक्टिव है, बाकी कारों में ऐसा नहीं मिलेगा। और ये डोर पॉकेट्स, इसमें 1 लीटर का वाटर बोतल आएंगे। ये इसकी रियर सीट, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, लेकिन दो ही हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये इसकी कप होल्डर, आप आराम से निकाल के इसमें कप होल्डर रख सकते हैं। ये इसकी ट्रांसमिशन टनल काफ़ी बड़ा है, ये इसका वीक पॉइंट है। अभी एक आपको हिडन फीचर दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्रंट सीट एडजस्टेबल लीवर है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर पुल करेंगे और आगे को सीट को प्रेस करेंगे तो ये सीट आगे शिफ्ट हो जाता है। देखिए ऐसे, ये कई कारों में नहीं मिलता है, इस कार में दिया गया है। और ये सीट पॉकेट्स, दोनों सीट्स में सीट पॉकेट दिया गया है। इसमें इस कार में रियर सीट आर्म रेस्ट भी है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले मैंने बता दिया आपको कि हेडरेस्ट नहीं है, 3, 2 ही हेडरेस्ट इसमें मिलेंगे। अभी चलते हैं दोस्तों ड्राइवर सीट की तरफ, ड्राइवर सीट में जाकर देखेंगे कि इसकी फीचर क्या क्या है। तो चलते हैं ड्राइवर सीट में। सबसे पहले स्ट्रिंग में, यहाँ स्ट्रिंग लेदर रैप्ड है, और ये स्ट्रिंग जो है
फ्लैट बटन टाइप है, स्पोर्टी लगता है काफ़ी देखने से। ड्राइवर एसी वेंट आपको दिखाई दे रहा है दाहिने साइड में, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। स्ट्रिंग का मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्ट्रिंग काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने, जो बीच में इन्होंने ये फिनिश दिया है, बोतल टाइप का फिनिश दिया, ग्लास टाइप का, ये काफ़ी अच्छा है। ये लाइट स्ट्रोक है, इसमें क्रॉस कंट्रोल भी है, ये हाई बीम लो बीम के लिए, देखिए हाई बीम और लो बीम। ये वाइपर स्ट्रोक है, ये वाइपर वाइपर फंक्शन के लिए है, और ये सीट मल्टी फंक्शन स्ट्रिंग व्हील है। इसमें ऑडियो कंट्रोल, वॉल्यूम प्लस डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वॉइस कंट्रोल, और ये इसकी स्पीडोमीटर, दो डायल दिया गया है, एक में स्पीड और दूसरे एक्सीलेटर दिया गया है, और बीच में एक छोटा सा स्क्रीन दिया गया है। ये देखिए इसमें किलोमीटर को जाहिर कर रहा है, इग्निशन ऑन ऑफ का, वॉच टाइम का, और सब कुछ इसी में दे रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा है देखने में। अभी चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। ये फुल्ली टच है, आप टच करके भी इसको चला सकते हैं, और साथ में बटन भी है इसके साथ में, आप बटन के थ्रू भी इसको चला सकते हैं। ये ऑटो कार प्ले के, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले के जरिए चलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटा स्क्रीन है, 6 इंच का है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और बीच में इन्होंने क्रोम फिनिश दिया है साइड में, जो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एसी वेंट्स देखिए काफ़ी अच्छा है, एसी वेंट्स भी सही जगह भी दिया है इन्होंने, और एसी कंट्रोल वगैरह भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी का। फ्रंट लुक तो इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है देखने में, देखिए एसी कंट्रोल वगैरह, एसी कंट्रोल बटन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कारों में ऐसे ही आता है एसी कंट्रोल बटन जो है, तकरीबन कारों में इसी प्रकार का आता है, तकरीबन क्या सभी कारों में आता है। जो महंगी महंगी कार है, सकोडा का हो गया, बीएमडब्ल्यू का हो गया, इसमें उसमें थोड़ा सा काफ़ी अलग तरीके का आता है। अभी देखते हैं इसके डोर पैनो, डोर पैनो वन टच बटन है इसमें भी, बाकी गाड़ी की तरह एक बार टच करोगे तो विंडो जो है अपने आप ऊपर तक आएंगे सारे चारों डोर्स के, एक के नहीं। और इसके ओआर भीम जो है ऑटोमेटिक है, ये गाड़ी का गियर, ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 7 स्पीड पे काम करता है, इसको लगाने में बहुत ही आसान है चलाने में। और ये इसके हैंड ब्रेक्स काफ़ी अच्छा है गाड़ी। देखते हैं इसके डोर पॉकेट्स, डोर पॉकेट्स में डोर पॉकेट्स भी काफ़ी बड़ा दिया गया, और बोतल होल्डर भी काफ़ी बड़ा दिया गया, बोतल होल्डर के जगह पर एक ग्लास दिया गया है, इसमें पानी रख सकते हैं आप। बाकी कारों में नहीं मिलेगा, सिर्फ इस कार में मिलेगा आपको ग्लास। इस ग्लास को उठाकर आप इसके कप होल्डर के जगह पर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया अभी यहाँ पर, और कुछ सामान हो तो इस जगह पर आप रख सकते हैं। ये कप होल्डर है, इसे खोल के, ये इसके ग्लोब बॉक्स, इसमें कूलिंग सिस्टम है, और साथ में सनग्लास होल्डर भी दिया गया है, इसमें रख सकते हैं आप। और इसके रियर व्यू मिरर, ये इसकी खास बात है कि ये अगर इसमें लाइट पड़ता तो ये अपने आप ब्लैकआउट हो जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि भाई रात को अगर गाड़ी में लाइट पड़ता तो ये आपको ढंग से दिखाई देगा। ये इसके सनसेट, इसके लाइट्स भी काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लाइट को, ये लाइट काफ़ी मैच कर रहा है गाड़ी में। और ग्लोब बॉक्स फिर एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये सामान रख के क्या क्या सामान है इसके अंदर। अभी देखते हैं आर्मरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, इसको ऊपर भी उठा सकते हैं, इसमें इसके बीच में भी जगह है, कुछ रख सकते हैं सामान, छोटा मोटा सामान इसके अंदर, लेकिन अपने हैंड ब्रेक लगाना है तो इसको उठाना पड़ेगा। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ स्पीडोमीटर। चलते हैं अभी हम इंजन की तरफ, चलते हैं अभी इंजन की बात करेंगे थोड़ा सा, इसकी इंजन देखेंगे कैसा है। चलो इंजन को खोलते हैं अभी। इसमें इंजन है 1498 सीसी का है, काफ़ी पावरफुल इंजन है,
और इसकी बोनेट भी काफ़ी भारी है। इसकी पावर है 1.108.5 bhp है। माइलेज इसकी 21.5 किलोमीटर पर लीटर है, काफ़ी अच्छा है। इसकी टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है। ओवरऑल कार काफ़ी अच्छा है। चलो अभी इसके मैनुअल ट्रांसमिशन का देखते हैं। तो ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार है, इसमें फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ गियर का फ़र्क है। ये 5 स्पीड है और आपको गियर चेंज करना पड़ेगा हर बार, उसमें 7 स्पीड है। चलो अभी लाल कार देखते हैं, पहले भी आपको दिखाया था, ये मैंने छोटा सा लिया है, देखो काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ कुछ और बता देता हूँ, इसकी प्राइस है 13.87 लाख है और अगर आप मैनुअल में लेते हैं तो आपको मिलेगा 12.62 लाख का। इसमें फ्रंट में USB चार्जर दिखाई दिया आपको, लेकिन रियर में इसके USB चार्जर नहीं है। और एयर बैग्स जो है इसके ड्राइवर और फ्रंट के पैसेंजर्स के लिए, साइड में कोई एयर बैग्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी लुक अच्छा है रेड में भी। चलो थैंक यू दोस्तों।